मैं आपसे बात कर रही हूँ इतिहास की, कला के इतिहास की। इतिहास किसी भी विषय का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। हमें वैसे तो इतिहास से दो ही सूत्र मिलते हैं, एक सृजन और दूसरा विध्वंस। सृजन हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रेरणा देता है। वहीं विध्वंस हमें ये बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सृजन के इतिहास के पन्ने यहीं से मैं कुछ आपके साथ पढ़ना चाहती थी। हालांकि मैं आपसे अभी शेयर कर रही थी, वो दौर था मॉडर्न आर्ट का, जो आज़ादी का समय है, उसके आगे की बात थी। लेकिन मुझे लगा कि इस बाधा पे आगे चलने से पहले थोड़े पीछे के कुछ सफ़े और ले लिए जाए, कुछ और इतिहास यहाँ से समेट लिया जाए। बस यही सोच करके मैं थोड़ा पीछे आई। हालांकि इतिहास हमारा और भी पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये दौर था जब देश गुलाम तो नहीं था, लेकिन देश पर मुगलों का शासन था। 16वीं सदी का ये समय था जब कला जो है वो राजमहलों में पलती थी, और कला के कदरदान राजा बादशाह हुआ करते थे। शाही उसे ट्रीटमेंट मिला करता था कला को, और उसी दौर के एक कलाकार थे, कलाकार बसावन, आर्टिस्ट पेंटर बसावन जो हैं, उन्होंने अकबर नामा का सबसे पहले इलस्ट्रेशन किया था। अकबर नामा अकबर के जीवन पर लिखी उनकी जीवनी है। अकबर के दरबार में और भी कई कलाकार थे, जिसमें अब्द अल सैयद जो थे वो ईरानी चित्रकार थे। इन्होंने बसावन ने इनसे भी कुछ अपनी कला में पुट लिया था, सीखा था। इसके अलावा देसावन थे, सैयद अली थे, ये चित्रकार थे। बसावन का पहला जिक्र जो है वो तुतीनामा में मिलता है। तुतीनामा अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानियों का संकलन है, जिस संस्कृत किताब से पहली बार ये फारसी में ट्रांसलेट हुआ था। हालांकि ट्रांसलेट तो पहले हो चुका था, लेकिन अकबर ने इसका इलस्ट्रेशन करवाया था। ऐसा कयास लगाया जाता है कि बसावन जो है उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ होगा। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की बाहें दूर तक फैली हुई थी। पश्चिम में हिंदुस्तान अफगानिस्तान से आगे भी जाता था। हालांकि देशों की दूरियों की वजह से लोग कमाया जाया करते थे, लेकिन उस समय में अकबर के दरबार में जेसुइट मिशनरी के लोग आए थे, और अपने साथ में कुछ यूरोपियन कला का पुट भी लेके आए थे। अपनी कला में हुनर रखने वाले दक्ष कलाकार बसावन ने अपनी कला में उसका भी एक पुट ले लिया। इस तरह से हमें ये पता चलता है, जब हम ये एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि भीम गुजराती नाम के कलाकार थे, उन्होंने बसावन के साथ में मिलकर के चंगेज़ खान और उनके नौ बच्चे, उनकी जो फैमिली थी, उसका एक चित्र बनाया था। ये जो पन्ने हैं कला के, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वो डॉक्यूमेंटेशन का हमें विजुलाइजेशन देते हैं उस दौर का, जिसे हम इतिहास कहते हैं, जहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन तो मिल जाता है कि चंगेज़ खान थे या ये राजा थे, लेकिन वो कैसे दिखते थे, ये हमारी हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। वहीं ये कला हमें मदद करती है, और ये साथ में बताती भी है कि हिंदुस्तान में कला ने कितनी सोपानी चढ़ी है। यहाँ से मैं आपको आगे ले जाऊँ। अगर बसावन की कुछ पेंटिंग्स के हम एनालिसिस करें, तो उनकी पेंटिंग जब मैं देख रही थी, पेंटिंग थी उनकी वुमन वर्शिपिंग द सन, ये पेंटिंग देखने पे ऐसा लगता है कितनी कलाओं का समायोजन है इसके अंदर। यूरोपियन कला दिखती है, ईरानियन कला दिखती है, इसके अंदर हिंदुस्तानी कला दिखती है। उस दौर में दिखता है कि कैसे ऐश्वर्य था, कैसे लोगों का ओपननेस थी, कितनी चीज़ें जो थी वो आ जाती। इसके अलावा उनकी एक और पेंटिंग है जो जैन संत पर बनी हुई है। मुझे जब उनकी कलाओं का संकलन देख रही थी, ऐसा कहा जाता है बसावन ने लगभग 100 चित्र बनाए थे, तो उनकी कलाओं के संकलन देखने के दौरान एक एहसास ये भी हुआ कि उस वक्त कला जो है वो आज़ाद थी। बसावन ने अपनी इस कला को आगे विरासत में भी दिया। उनके बेटे मनोहर दास, जिन्होंने जहांगीर के लिए प्रभु जहांगीर का पोर्ट्रेट भी बनाया और जहांगीर के दरबार तक काम किया था, तो ये दौर था कला का, ये काम था वहाँ पे। अब एक और बात यहाँ पे कि उस वक्त मुगल शैली में जब वो काम होता था, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी पेंटिंग में मुगल शैली की खासियतें थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बसावन जो है उनको रंग भरने में महारत थी। वो बारीकी से शाही दरबार, मुगल दरबार, जो मुगल शैली में बॉर्डर की चलन है, वो भी उनकी पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उनकी जो आर्ट थी, महारत जो थी, वो रंग भरने के अंदर थी।
बसावन ने जो विरासत अपने बेटे मनोहर दास को दी थी, उन्होंने कई चित्र बनाए जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में, अल्बर्ट म्यूजियम में हमको देखने को मिलते हैं। कला का वो पन्ना जो इतिहास कहलाता है, जिससे हम सब सबक ले सकते हैं, वो आज मैंने आपके साथ साझा किया। मैं फिर आपसे दोबारा मिलूंगी अगले शनिवार, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। दिल तक करता है।